डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप नरूटो में फाइटिंग सीन्स क्यों नहीं डालते, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि नरूटो बहुत ही स्ट्रिक्ट एनिमे है, जिसके ऊपर मैं छोटा भी फाइटिंग सीन्स डालने की किया तो उस पर कॉपीराइट लग गया था, और इसी वजह से मेरे को 5 क्लेम लग गए थे, और वो क्लेम ऐसे क्लेम थे कि उसके अगर मैं कुछ करने जाऊँ तो मेरा चैनल भी डिलीट हो सकता है। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब से मैं अगर नरूटो का कोई भी एपिसोड अपलोड करूँगा, छोटे या तो दो, तो वो मैं ऐसे अपलोड करूँगा तो आप देखते जाना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। अगर मैं दो अपलोड करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे एपिसोड हो गए, देखते जाओ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सास्के जो रहते हैं वो इताची के पेट में कुछ अपनी जो स्नेक स्वॉर्ड रहती है वो आर पार कर देता है, पर इताची बस गेंजुत्सु करता है, और सास्के उसकी गेंजुत्सु को तोड़ते हुए इताची के आर पार एक अपनी जो स्नेक स्वॉर्ड रहती है वो आर पार कर देता है। और उसके बाद वो इताची से पूछता है कि बताओ आखिर तुम क्या कह रहे थे, तुमने मुझे बचपन में कहा था अगर तुमने मांगा किल शरिंगन एक्टिवेट कर दी तो तुम वो तीसरे इंसान होगे जो मांगा किल शरिंगन एक्टिवेट कर देगा। तो इताची कहता है हाँ मैंने कहा था। तो सास्के कहता है आखिर वो तीसरा पर्सन कौन है जो मांगा किल शरिंगन एक्टिवेट किया है, और सास्के कहता है कि वो कोई और नहीं, वो है मादारा उचिहा। वो और कोई नहीं, वो है मादारा उचिहा। ये सुनकर सास्के बहुत ज़्यादा हिल जाता है और वो कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, क्या मादारा उचिहा का उसने शरिंगन अपनी मांगा किल शरिंगन एक्टिवेट किया था, क्या वो ही सच में किया था। और यहाँ पर इताची जो सास्के को रहता है वो अपनी मांगा किल शरिंगन से देखता है और वो कहता है कि हाँ वही था, उसने ही सबसे पहला मांगा किल शरिंगन एक्टिवेट किया। और यहाँ पर जो सात्सु रहता है वो पूरी मैच देख रहा होता है। सास्के को इताची कहता है कि जो मादारा उचिहा था उसने ही जो था वो था मांगा किल शरिंगन सबसे पहला एक्टिवेट किया था, वही था जो था उचिहा क्लैन का किंग, और उसने ही सबसे पहला अपने मांगा किल शरिंगन को एक्टिवेट करके मादारा उचिहा का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस था, क्योंकि उसने अलग अलग तरह की शरिंगन को एक्टिवेट किया था और अलग अलग तरह की मांगा किल एक्टिवेट किया था। और तभी यहाँ पर इताची अपनी मांगा किल शरिंगन एक्टिवेट करता है और हमें दिखाता है कि जो हमारा इताची रहता है वो सास्के के ऊपर गेंजुत्सु करता है ताकि वो दिखा पाए कि आखिर मादारा उचिहा की असली स्टोरी क्या है। और यहाँ पर इताची सास्के को वो अपनी मांगा किल से दिखा रहा होता है, हमें दिखाता है कि जो मादारा रहता है वो रहता है और उसका भाई रहता है, मादारा और उसका भाई मिलकर अपने अपने अलग अलग शरिंगन को एक्टिवेट किए थे, और मादारा का भाई की दोनों की अलग अलग शरिंगन थी, वो दोनों ने बहुत ही ज़्यादा राज किया था और जब वॉर होती थी तो वो दोनों जीतते थे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मादारा की जो शरिंगन थी वो काबू से बाहर हो गई, उसने अपनी शरिंगन को इतना यूज़ किया कि उसकी शरिंगन ने उसे ही खाना शुरू कर दिया और उसकी आँख एक दिन पूरी तरीके से चली गई। मादारा बिल्कुल अंधा हो चुका था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो दर्द में तड़प रहा था, और एक दिन उसने एक ऐसा कदम उठाने के किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मादारा उठा और उठते साथ ही उसने उसके खुद के भाई की आँख को निकाला और उसके भाई की आँख को निकाल कर उसने अपनी आँख में लगा डाला, और ऐसा करके मादारा उचिहा ने अपने भाई की आँख ले ली और उसके भाई ने अपने भाई के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। ये देखकर सास्के भी हिल जाता है और यहाँ पर वो जो सोच रहा होता है कि ये क्या, उसने ये क्या किया। और तभी यहाँ पर जब जैसी उस मादारा ने अपने भाई की आँख को अपनी आँखों के अंदर पोजेस कर दिया तो उसके बाद एक नई शरिंगन निकली, और उसके बाद मादारा ने बहुत सारी शरिंगन को एक्टिवेट किया और उसके बाद मादारा बन चुका था एक शरिंगन किंग, और उसके बाद मादारा जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था और अलग अलग राज्यों पे हमला करता था। मादारा अपने भाई की आँख लेने के बाद इतना ताकत हो गया था और उसका जो छोटा भाई था उसने अपने भाई के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए मादारा ने ये सोचा कि मेरे भाई के सेक्रीफाइस के बदले मैं जो हो जाए मैं वो करूँगा और उचिहा क्लैन का नाम सबसे ऊपर लाऊँगा।
ऐसा करते करते मादारा बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ा और उसके बाद वो सेंजू क्लैन में ज्वाइंट हो गया, जो था हाशिरामा सेंजू यानी फर्स्ट हुकागे का क्लैन। और वो उनके क्लैन के साथ सभी जगह पर लड़ना शुरू कर दिए। और तभी यहाँ पर जो हाशिरामा सेंजू है उनकी एक मूर्ति बनाई गई, और उसके बाद जो मादर है उसकी भी मूर्ति बनाई गई फाइनल वैली के लिए। और उसके बाद उन लोगों की लड़ाई हुई, और उसके कितने सालों बाद नाइन टेल फॉक्स अचानक से समन हुआ और उसने बहुत ही ज़्यादा लोगों को तबाह कर दिया। इताची कहता है कि मादारा ने अपने भाई के साथ ऐसा किया था, और वो कहता है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्यों रखा, मैंने तुम्हें ऐसा क्यों कहा था कि जाओ सास्के जाके अपनी ट्रेनिंग करो, और जब तुम ये आँख लेके आओ तो मेरे पास आना, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं भी तुम्हारी आँख निकाल कर लूँ और इतना ताकतवर हो जाऊँ कि मैं मादारा को भी फेल कर दूँ। और ये कहकर इताची अपने हाथ को सास्के की आँखों की तरफ लेके जाने के लिए पड़ता है, और वो कहता है कि तुम्हारी आँख मेरी आँख में आ जाएगी, मैं ताकतवर हो जाऊँगा। यहाँ पर सास्के को याद आता है कि इताची और उसके कितने अच्छे टाइम थे पहले के टाइम पर, और उसको ये भी याद आता है सास्के को कि जब जा रहा था इताची ने सबका खून किया था, तो उसने ये भी कहा था कि जाओ और जब तुम ये मांगा किल शेरिंगन एक्टिवेट कर दिए तो मेरे पास आना। तो सास्के समझ जाता है इसका मतलब ये था कि इताची मेरी आँख लेना चाहता था और वो मेरी आँख को पोजेस करके अपनी शेरिंगन को भारी में यानी ताकतवर करना चाहता था। सास्के यहाँ पर उसे याद आता है कि सास्के अब नारुतो और सकुरा को कहता है कि मुझे किससे रिवेंज लेना है और मैं उससे रिवेंज कर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सास्के कहता है कि तो तुम्हारा आखिर असली मकसद सामने आ ही गया, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा इतना बुरा मकसद होगा, पर आखिर तुम्हारा मकसद सामने आ ही गया। और इताची यहाँ पर अपना जो कपड़ा रहता है उसको पूरी तरीके से पहन लेता है, और सास्के वो सभी पल को याद करता है जिसमें वो सास्के से यानी इताची से हारा और सभी उसको दर्द मिला। तभी यहाँ पर इताची सास्के अपने हाथ की पट्टियाँ खोल देता है, और इताची कहता है तो तुम लड़ने के लिए तैयार हो। और तभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इताची और सास्के एक दूसरे के ऊपर कुनाई फेंकते ही रहते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर बस कुनाई फेंकते हैं और बस डॉच ही कर रहे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इताची जो रहता है वो सास्के को पकड़ लेता है, और यहाँ पर इताची सास्के को अपना ब्लॉक पकड़ के रख लेता है, और उसके बाद वो अचानक से इस सास्के को पकड़ के रखे ही अपना शेडो क्लोन बना लेता है। तो इताची क्या करता है अपने क्लोन से उसको पकड़ के रखता है और पीछे से भागते हुए सास्के की तरफ कोना फेंकता है, पर सास्के यहाँ पर अपने अचानक से एक बड़ा से स्नेक को अपने हाथ से निकालता है और उसके अपने आप को पूरी तरीके से रोल कर लेता है और उसे कुछ नहीं होता है। तभी सास्के यहाँ पर अपनी जायंट शुरिकन निकाल कर इताची की तरफ फेंकता है, और उस जायंट शुरिकन के अंदर इताची अपने चिदोरी की मदद से पावर दे रहा होता है। वो जैसी अपनी चिदोरी से पावर दे रहा होता है शुरिकन पूरी तरीके से एकदम जायंट शुरिकन पूरी तरीके से एकदम पावरफुल हो जाती है और इताची की कुनाइफ कट जाती है, और तभी यहाँ पर इताची क्रो बनकर उड़ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर इताची जो रहता है वो सास्के को पेट पे पंच मारता है जिसकी वजह से सास्के दूर जाकर उड़ता है, और इताची सास्के की तरफ आता है और सास्के का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि ये वो टाइम है, अब मुझे तुम्हारी आँख लेने का मौका मिल गया। और इसके बाद इताची उसकी आँख पे हाथ रखता है और वो कहता है कि अब मैं भी बन जाऊँगा, इतना ताकतवर बन जाऊँगा कि मैं मादारा उचिहा को भी फेल कर दूँगा। और ये कहकर इताची सास्के की तरफ हाथ बढ़ाता है।